वेलकम नाजरीन साहब, आज हम बना रहे हैं दही वाली भिंडी। जो भिंडी हमने काट ली है, भिंडी हमने फेंट के रखी हुई है। यहाँ तीन चार हरी मिर्चें लिए हैं, कढ़ाई गोश्त में मसाला लिया है 2 चम्मच, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी। हल्दी को हम दही में मैश कर देते हैं। और ये एक प्याज ली है, अदरक लहसुन हमने पीस लिया है। दही को हम भेज लेते हैं। दही देखो हो गई। अच्छा, प्याज ऑयल गर्म हो गया, इसमें प्याज डाल देते हैं। प्याज फ्राई हो जाएंगे तो फिर भिंडी को फ्राई करना। बगैर आपको लाल मिर्च के आज हम सालन बना के दिखाएंगे। जो लोग मिर्ची नहीं खाते ना, ये उनके हिसाब से सही रहेगी। देखिए, ये प्याज हल्की हल्की ब्राउन हो गई है, इनको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। ज़्यादा हम तेज़ नहीं करेंगे, सालन ख़राब हो जाता है, बिल्कुल काला हो जाता है। ये निकल गई है प्याज, बिल्कुल लाइट लाइट सी ब्राउन हो गई, तो वो निकाल लो। अच्छा, देखिए काफ़ी लोग जो होते हैं ना, वो मिर्चा खाते ही नहीं है आजकल के। देखिए हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, वो बिल्कुल मिर्चा नहीं खाते, उनसे खाया नहीं जाता। आपने देखा होगा ना कि बिल्कुल मिर्चा नहीं खाया जाता उनसे, बिल्कुल। हमारे घर में भी माशाल्लाह से बुज़ुर्ग हैं। तो देखो हम भिंडी फ्राई करते हैं, 5-10 मिनट ये फ्राई होंगे। फिर हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। अच्छा, आप सोचते होंगे हमने दही में हल्दी डाली है। असल में क्या है, हम जब कढ़ी का सालन बनाते हैं तो उसमें भी हल्दी डाल के, लाल मिर्च डाल के हम बनाते हैं। और फिर इसको अब हमने अच्छे से फेंट दिया है, जैसे ही हमारी भिंडी फ्राई होगी। और ये हम प्याज भी हम पीस लेंगे। बिल्कुल इसको कढ़ी की तरह हमें बनाना है, इतना अच्छा टेस्ट आएगा। आप अपने घर में ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। नमक जो है ये बाद में ऐड करना, क्योंकि दही जो है वो फट जाएगी और वो टेस्ट नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसी लेस आएगी जैसे हम कढ़ी के शोरबे की करते हैं ना, इस तरह की लेस आएगी। देखना ना, अच्छा लेस आएगा माशाल्लाह से। देखें, हम ये जो लहसुन हमने पीसा था अदरक के साथ, ये हम इस दही के अंदर ऐड कर देते हैं। ये देखें, यहाँ हमने ढक्कन रख दिया 5-10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। अब ये देखें, हम प्याज हमने इसमें डाल दिए, इसको हम पीस लेते हैं। अच्छा, देखें अब इसमें हम ये हरी मिर्च और ये कढ़ाई गोश्त इसमें डाल देते हैं, ताकि ये इसके साथ ही अच्छे से फ्राई हो जाए। थोड़ी थोड़ी फ्राई हो रही है,
फिर भी हम इसको डाल देते हैं 5-10 मिनट, गैस तो नरम हो जाएंगी। ये अच्छा देखिए, हमने इसे जो प्याज पीसी थी तो हमने इसमें डाल दी। भून लेते हैं। अच्छा देखिए, अब हम ये दही डालते हैं इसमें और इसको बिल्कुल किलो किलो डाल के चलाते जाएंगे। सही है, भिंडी हमारी फ्राई हो गई। ये देखें तो बस चलाते हुआ जब तक इसमें खत्ती नहीं आए, जैसे ही खत्ती आए फिर चूल्हा कम कर देना। अच्छा देखें, अब हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। ये इसको आप हल्के आंच पर रखते हैं ताकि भिंडी भी आराम से हो जाए, और इसका ढक्कन ढक दें आप। ऑयल आ जाएगा तो हमारी ये रेसिपी तैयार हो गई है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ होंगे। तो सही है, ओके, अल्लाह हाफिज़।